कहते हैं कि कोई भूखा ना रहे और किसी का पेट भरे तो इससे बड़ी सेवा कोई और नहीं होती। इस बात को आगे बढ़ाते हुए शुभ्रांशु दीक्षित द्वारा हमेशा ही भोजन वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। एक बार फिर मुंबई के असलफा मेट्रो स्थित महेश्वर मंदिर के बाहर श्री साई श्रद्धा प्रतिष्ठान द्वारा हजारों की संख्या में लोगों को भोजन बॉक्स का वितरण किया गया। इस दौरान साई भक्त शुभ्रांशु दीक्षित और मौजूद उनकी टीम के लोगों ने भोजन बॉक्स का वितरण किया। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत में शुभ्रांशु दीक्षित और साथ ही मौजूद महिला का क्या कुछ कहना था, देखिए यह खास रिपोर्ट घाटकोपर से। हर साल की तरह, हर महीने की तरह इस बार भी जो है देखिए दिवाली महीना है, बड़ा पुण्य का महीना चलता है, तो हर साल एक छोटा सा हम लोग दिवाली स्नेह मिलन तो नहीं करते क्योंकि गरीबों के साथ एक छोटा सा मंदिर का प्रसाद लेके लोगों में वितरण किया जाता है। इस साल भी अच्छे से कई प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, संपन्न हुआ। देखिए बहुत संख्या में था, काउंटिंग बताना ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि 750-800 लोग यहाँ पे खाना खाए। देखिए खाना प्यार से खाना, जो प्रसाद होता है वो बोला नहीं जाता है, इससे आदमी की संतुष्टि मिले, भोजन है, पेट भरना चाहिए, बाकी क्या। देखिए भोजन है, लोगों को खाना खाना चाहिए, प्यार है, मैं भगवान करे सबको ऐसे शक्ति दे एक दूसरे को खाना खिलाने के लिए, मैं उसको तय जो लोग आए उनको मैं तय दिल से धन्यवाद बोलता, आभार हूँ। देखिए इस साल हर साल की तरह दिवाली, दो साल कोरोना था बंद था, इस साल हर्षोल्लास से जैसे आदमी यहाँ पे होली मनाया गया, अब देखो दही हंडी मनाया गया, इससे दिवाली का प्रोत्साहन सबको पूरा देश में लगा होगा, महाराष्ट्र की दिवाली का अनोखा दिवाली था। देखिए भाई दूज हो चुका है और आने वाले समय में सब भाई बहन कैसे प्यार बनाए। आज छठ मैया का पूजा है, कल होने वाले समय में सब लोग छठ मैया का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसी से मैं अपना शब्द विराम करता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दिवाली का शुभ ये चल रहा है, दिन चल रहा है, तो हम सब ने मिलकर, हमारे शुभांशु भैया दीक्षित जी जो है, सब गरीबों अमीरों सबको देख के आज बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का और अच्छा ही दिया है। शुभांशु भैया जैसा कोई इंसान नहीं है जो सबके साथ दिवाली मनाए, सब अपना देखते हैं, मगर हमारे भैया ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा और गरीबों और अमीरों के साथ ये दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया। लोग बड़े उत्साह से खाना वाटर कर रहे थे, लोग जो है खाने लेने के बाद एक मुस्कुराहट आ रही थी। हाँ भाई देखिए किसी को मिलता नहीं है, मगर भैया ने इतना अच्छा आज जो ऑर्गेनाइज किया ना, सबको अच्छा खाना मिले, ये हमारा देर रहता है और हमारे भैया का भी यही रहता है। हम तो खाते हैं मगर उनको नहीं मिलता है, तो हम ना देखा के उनको खिलाए, ये बहुत अच्छा काम है हमारा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।